सर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस ब्लडी एक्सक्यूज कि यार पाकिस्तान एक्टर टेररिस्ट नहीं है, पाकिस्तान एक्टर टेररिस्ट नहीं है। यार किसने बोला है कि वो टेररिस्ट है? और एक चीज मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि अगर इंडिया इन लोगों को टेररिस्ट मानता ना सर, तो इन लोगों को इंडिया वापस जाने नहीं बोलता, हमारे जवान उनको वहीं टोक देते। और आप ऐसे लोगों को आर्टिस्ट बुलाते हो जो बोलता है कि भाई अगर मेरे मुल्क में अगर टेरर अटैक होता है तो फिर मैं उसको कंडेम करूंगा, लेकिन अगर मेरे पड़ोसी मुल्क में टेरर अटैक होता है तो आई एम वेरी सॉरी, आई डोंट फाइंड इट बैड इनफ टू बी कंडेम। करण जौहर ने अभी ट्वीट किया था फोटो ऑन सेट्स ऑफ कॉफी विद करण। सर मैं आपको एक छोटा सा सजेशन दे रहा हूँ सर, एज एन इंडियन मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ, प्लीज ले लीजिएगा। आपने जो इतने कॉस्टली सोफा सेट्स और सेट बना के रखे ना आपने, एक बार उस कॉस्टली सोफा सेट पे किसी शहीद हुए जवान के घर वालों को लाके बिठाओ, उनको पूछो कि उनको कैसा लग रहा है। What's even more embarrassing is the fact that normal people like us have to stand up, shout and scream our heads off and make you bloody understand what your responsibilities are. And have you ever thought we are being so selfish ki culture comes first? These people who are joining the army, they join the army at the age jisko hum bolte hai na ki yaar yahi to enjoy karne ka time hai. 30-40 होने के बाद तू लाइफ थोड़ी ना एंजॉय करेगा। दीज पीपल आर गिविंग दिस एंजॉय करने वाला टाइम टू द कंट्री सर। इन लोग यही टाइम अपने कंट्री को दे रहे हैं। जिस टाइम में आप अपने बेटे और बेटियों को लॉन्च करते हो ना मूवी में, क्योंकि सर यही टाइम है उनको पब्लिक अप्रिशिएट करेगी, यही टाइम उन लोग देते हैं बॉर्डर पे, ठीक है। एंड बाय द टाइम दे कम आउट ऑफ द आर्मी दे आर इन द 40s एंड 50s सर, उनके लाइफ में जीने लायक कुछ होता नहीं है। दे हैव सीन मोर ऑफ द फ्रेंड्स डाइंग, दे हैव सीन मोर ऑफ द सीनियर्स कमिंग बैक विद एम्पुटेटेड लिम्स। और आजकल ये सू बहुत करते हैं ना हम लोग, अभी यार मुझे तो एकदम मैं सदमे में चला गया हूं, आई एम हैविंग दिस ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस, तो भाई मैंने उसको 10 लाख का सू कर दिया। सर ये बंदे किसको सू करते हैं? हाँ उनके दोस्त मरते हैं उनके सामने मरते हैं, किसी को गोली लगती है उनके सामने लगती है, एंड दे कीप दिस इन देयर हेड्स फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ टिल द डे दे डाई। उन लोग किसी को सू करते हैं, वो किसी को पैसा मांगते हैं। मेरे एक दोस्त ने मुझे बहुत अच्छी चीज बताई थी सर कि हम लोग जो ये फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं ना, इसका हमें बिल नहीं आता। इसका बिल एक ही रीजन के लिए नहीं आता, बिकॉज दिस बिल हैज ऑलरेडी बीन पेड फॉर बाय समवन एल्स। और आप लोग जो इतना बक रहे हो ना सर, इसका एक ही रीजन ये है कि आप लोग इंडिया जैसे देश में पैदा हुए हो बोल के बक रहे हो, वे पीपल आर इवन लिसनिंग टू योर ब्लडी बुलशिट। आप लोग को सहन किया जा रहा है यही बहुत बड़ी बात है। अगर आप चाइना या नॉर्थ कोरिया जैसी जगह में पैदा होते ना, मैं देखता आप कितना अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिखाते वहां पे। और हम लोग का ये गंदा सा घटिया सा माइंडसेट हो गया है कि अनटिल अनलेस एक सिटी में टेरर अटैक ना हो, वो टेरर अटैक नहीं है। तब आपको वो अटैक इसलिए लगता है क्योंकि वो आपके घर पे होता है। आप अपने घर वालों को 20 बार फोन करके पूछते हो ना, मुंबई में जब हुआ था 20-20 लोगों का कॉल आता था ना आपके फोन पे, बेटा अच्छा ही हो ना, अरे पापा कुछ हुआ तो नहीं, बेटा ऑफिस से लौट गए, कर रहे थे ना आप ये। वो जवानों के लिए कौन करता है ये, कभी आपने जिंदगी में सोचा है? वो अपने घर को रोज फोन करते हैं, उसकी मम्मी उनको रोज फोन करके पूछती है, उनकी बीवी उनको रोज फोन करके पूछती है, बच्चे रोज फोन करके पूछते हैं कि पापा आज आप जिंदा हो। मुंबई में जब होता है तब वो आपको पता चलता है, लेकिन जब सरहद पे होता है वो आपको पता नहीं चलता, तब आपको कल्चरल एक्सचेंजेस याद आती हैं। वहां पे बैठ के ना डायलॉग मारना बहुत आसान है। वाघा बॉर्डर पे जाके लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, वाघा बॉर्डर पे जाके। सर बॉर्डर पे जाके कभी खड़े हो बंदूक लेके, हाथ में आ जाएगी आपकी। और ये केजरीवाल जैसे लोग बोलते हैं कि क्या हमें प्रूफ चाहिए सर्जिकल अटैक के लिए, सो नाउ द आर्मी इज गोइंग टू गिव प्रूफ कि यहां पे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है कि नहीं। मतलब ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडिया अपना जितना भी सीक्रेट्स हैं पर्टेनिंग टू स्ट्राइक्स, कि हम लोग कैसे ऑपरेट करते हैं, हम लोग क्या इक्विपमेंट यूज करते हैं, वो हम बैठे बैठे एक प्लेट पे सर्व करके ISI को जाके दे दे, लो सर खाओ और देखो हम लोग कैसे ऑपरेट करते हैं, नहीं, ताकि नेक्स्ट टाइम हम जब आए ना तो आप रेडी बैठे रहना। पहली बात तो अरविंद केजरीवाल आपका कोई काम धंधा है नहीं सर, ठीक है, आप दिन रात बैठ के मूवी रिव्यू करते हो, आपका बस वही काम है। आप LOC कारगिल या आप बॉर्डर जैसी की मूवीज की DVD खरीद के देख लो सर, आपका टाइम पास हो जाएगा, आपको उतना ही चाहिए। चिकनगुनिया तो आपसे संभलता है नहीं, दिल्ली संभालने बैठे हो आप, और उसके ऊपर आप हमारे इंडिया के पाक पॉलिसीज पर बैठ के कमेंट कर रहे हो। एंड मिस्टर ओम पुरी सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपने जो बोला ना कि 24 साल के लड़के को किसने बोला था ज्वाइन करने के लिए, सर कारगिल के वक्त अगर हमारे जवान यही बोलते ना कि भाई कारगिल में हम क्यों लड़े देश के लोगों के लिए, आप देश के लोगों को बोलो आगे बॉर्डर पे खड़े होने के लिए, तब अच्छा लगता सर आपको? सर खराब ये बात लगता है कि जस्ट बिकॉज ऑफ अ पर्सनल प्रेजुडिस या पर्सनल फेवरेटिज्म फॉर अ पर्टिकुलर एक्टर वी आर रेडी टू गो अगेंस्ट अ नेशन। यार कुछ तो मतलब इतने गवार लोग हैं हम लोग के बीच में, इतने बेवकूफ लोग हैं, वो बोलते हैं कि भाई कल्चरल एक्सचेंजेस बंद क्यों करने। यार आपको पता तक है पाकिस्तान हैज ऑलरेडी स्टार्टेड बैनिंग ऑल आवर मूवीज, दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड बैनिंग ऑल आवर सीरियल्स, आपको ये पता है? पाकिस्तान खुद बोल चुका है कि उसको हमारे साथ कल्चरल एक्सचेंजेस नहीं चाहिए, तो किस चीज पे आप उतना उछल रहे हो कि आपको कल्चरल एक्सचेंज करना है? बहुत से लोग सर ये बोल रहे हैं यार ये तो एकदम हिंदू मेंटालिटी है। सर इसमें क्या हिंदू मेंटालिटी है, आप मुझे चीज समझाओ ना, इसमें क्या हिंदू मेंटालिटी है? हाँ हमारे सरहद पे जो जवान है उसमें मुसलमान जवान नहीं है, उसमें सिख नहीं है, उसमें क्रिश्चियंस नहीं है, हमारे जवान जो है सिर्फ मतलब हमारे आर्मी में सिर्फ हिंदू भरे पड़े हुए हैं।
हाँ, ये अटैक्स में मुस्लिम सोल्जर्स मरते ही नहीं है सर। अगर आपकी ऐसी सोच है ना, तो सर सोच, आप ये सोचो कि एक्सट्रीमिस्ट व्यूज किसके हैं, आपके हैं कि हमारे हैं। और ये सब जो एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स है ना, जो रास्ते पे निकल जाते हैं स्वच्छ भारत अभियान के लिए, सर एक चीज बता रहा हूँ आपको, प्लीज कान खोल के सुन लो, कि आपके दिमाग में जो गंदगी है ना सर, दिमाग और दिल में जो गंदगी है, आप पहले उसको हटाओ। देश की गंदगी सर बाद में साफ हो जाएगी, पहले आप यहाँ से वो गंदगी हटाओ, फिर आप आके हमसे बात करो, कुछ काम होगा। करण जौहर को नेपाली एक्टर्स, श्रीलंकन एक्टर्स, बांग्लादेशी एक्टर्स, अफगानी एक्टर्स, भूटानी एक्टर्स, म्यांमार के एक्टर्स, मतलब उनको ये सब एक्टर्स की तो परवाह ही नहीं है, उनको सिर्फ पाकिस्तान से ही दोस्ती बढ़ाना है। क्यों सर, नेपाल से आपको दोस्ती नहीं बढ़ानी, श्रीलंका के साथ आपको दोस्ती नहीं बढ़ानी, लेकिन आप दोस्ती बढ़ाओगे कैसे? पैसा तो पाकिस्तान से आता है ना। अगर आप 200 करोड़ की मूवी बनाते हो और अगर वो मूवी पाकिस्तान में रिलीज हो जाए, तो उससे आपको 30 से 40 करोड़ ज्यादा मिल जाता है। आप लोगों के लिए बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से ज्यादा कुछ भी मैटर नहीं करता।